Yo, what's up Danixters? Welcome to Danixt and this is Danish Extreme. So guys, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ ऐसी न्यूज, एक ऐसी तड़कती भड़कती मसालेदार खबर जिसे सुनकर आप हो जाएंगे खुश, एंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग भी इस चीज़ को पसंद करने वाले हैं। वो एग्जैक्टली क्या है? वो एग्जैक्टली ये है कि बहुत ही अच्छी फिल्म, एज अ क्रिएटर बोल रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छी फिल्म आ रही है कुछ ही दिनों में, जनवरी में ही रिलीज़ होने वाली है मूवी। वो फिल्म मुझे पर्सनली क्रिएशन के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही। एक अच्छे कैमरा वर्क है उसमें, अच्छा डायरेक्शन है, एक अच्छी स्टोरी लाइन है, प्लस एक अच्छा कास्टिंग है उसमें। वो क्या है? उस फिल्म का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उस फिल्म का नाम है। और इस फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं नन अदर देन सुपर एक्टर जिनका नाम है अनुपम खेर। यस, अब देखिए ये टॉपिक इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, क्यों वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये एक बुक के आधार पर बनाई गई मूवी है। एक बुक आई थी जिनके जो ऑथर है उनका नाम है संजय बारू। यस, इस जो बुक है उसी पर बेस्ड है ये कहानी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। संजय बारू कौन है? संजय बारू डॉक्टर मनमोहन सिंह, यस, साक्षात डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइज़र रह चुके हैं, ठीक है। और ये कहानी मनमोहन सर के बारे में ही है। ओवरऑल डॉक्टर मनमोहन सिंह की लाइफ एग्जैक्टली जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय की जो भी घटनाएं थी उस पर आधारित है। संजय बारू उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, ठीक है, मैं मीडिया एडवाइज़र होने के नाते, इस वजह से उन्होंने ये बुक लिखी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और ये फिल्म अब आ रही है आप लोगों तक एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक अच्छे क्या कहते हैं अच्छे बोल में ढल कर आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कैरेक्टराइजेशंस है, जो कास्टिंग है, वो बहुत ही सुपर हिट है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें अच्छा मुझे क्या लगा। और मैं ये एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस फिल्म की तारीफ करने के लिए मैंने नहीं ये वीडियो बनाई है, मैंने वीडियो बनाई है कि इस फिल्म को लेकर झमेला कितना ज़्यादा जनरेट होने वाला है और हो रहा है। और फिल्म ऑलरेडी पहले ही ट्रेलर के आने से कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज़ में फंस चुकी है, और फंस रहा है कौन और फंसा रहा है कौन, वो सारी डिटेल्स मैं आप तक लेकर आया हूँ इस वीडियो में। सो आखिर तक वॉच करें। हुआ क्या, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अनुपम खेर जी, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वो कैरेक्टर पकड़ा है। मैं तो पहले देखकर, मैं जब ट्रेलर में जब उनका थंबनेल देखा तो मुझे लगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये कुछ वीडियो है, बट ध्यान से देखने पर समझ में आया अरे ये तो अनुपम खेर जी है। कितना अच्छा बॉडी लैंग्वेज, कितनी अच्छी वॉइस मॉड्यूलेशन उन्होंने पकड़ी है। जो भी एग्जैक्ट वॉइस थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो उन्होंने पकड़ी है, और बॉडी लैंग्वेज, उनका वॉक करने का स्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस, कितना अच्छा काम किया गया ओवरऑल टीम द्वारा। ये पूरा टीम वर्क ही होता है। एक्टर क्या है, एक्टर बस उस चीज़ पर ढल जाता है, बट जो उनको ड्रेसिंग सेंस दिया गया है, जो उनका ड्रेस कोड है वो, प्लस उनकी पगड़ी जिस तरीके से पहनाई गई उन्हें, उनका जो ड्रेस है, उनकी दाढ़ी, उनका मेकअप, उनका वॉकिंग स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग इज़ कंप्लीट टीम एफर्ट, बहुत बेहतरीन है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं सिर्फ अनुपम खेर जी ही डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं लग रहे हैं, बल्कि सोनिया गांधी लग रही हैं। एग्जैक्ट सोनिया गांधी लग रही हैं, एक एक्टर हैं जिनका नाम है सुजैन बर्नर्ट, ठीक है, वो पूरी की पूरी सोनिया गांधी ही लग रही हैं। मैं तो देखकर इस चीज़ को दंग रह गया कि इतनी सारी मूवीज़ बनती हैं, बायोपिक्स बनती हैं। एक अच्छी बायोपिक से पहले जो बनी थी वो थी संजय दत्त के ऊपर में, जिसमें संजू नाम था मूवी का, और उसमें संजय दत्त लग रहे थे काफ़ी हद तक रणबीर कपूर। बट ये जो मूवी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स एग्जैक्टली लग रहे हैं जो उनको कास्ट, जो उनका कैरेक्टर दिया गया है, मेन जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वैसे ही दिख रहे हैं। अनुपम खेर जी 10 on 10 on लुकिंग लाइक मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी लग रही हैं, सुजैन बर्नर्ट परफेक्ट लग रही हैं। अब आ जाते हैं आहना कुमरा पर। आहना कुमरा भी एक एक्टर है और वो 100% लग रही हैं प्रियंका गांधी। बहुत ही अच्छी कास्टिंग है, वेरी गुड द कास्ट गाय, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब आ जाते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी भी लग रहे हैं पूरे हद तक, अर्जुन माथुर जो है पूरा राहुल गांधी लग रहे हैं, लगभग लग रहे हैं। इनको थोड़ा सा मैं कम मार्क्स दूंगा, 10 में से 8 दूंगा जो उनका लुक लाइक राहुल गांधी के कहने में, बट बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छी कमांड पकड़ी है इन्होंने राहुल गांधी के कैरेक्टर पर। तो इस फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहे हैं? विजय रत्नाकर डायरेक्ट कर रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं। अब आ जाते हैं इन सारी चीज़ों को साइड करके, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली क्या क्रिएट हो रही है। एक लीगल नोटिस भेज दिया है यूथ, जो हमारी यूथ कांग्रेस है, इंडियन कांग्रेस जो है, उसके यूथ विंग ने एक लीगल नोटिस भेज दिया है फिल्म के मेकर्स को, ठीक है। क्यों भेजा है? उनका ये कहना है कि फिल्म के जो ट्रेलर है उसमें कांग्रेस पार्टी की छवि को थोड़ा गलत तरीके से कुछ सीन्स में दिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। और उनका डिमांड क्या क्या है, उनकी डिमांड्स भी आप सुन लीजिए। यूथ कांग्रेस जो विंग है उनका डिमांड है कि इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाए उनके लिए, ताकि वो देख सकें कि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स तो नहीं हैं जो उनकी पार्टी की छवि को खराब कर रही है। उनकी ये डिमांड है। उनकी डिमांड ये है कि जो भी आपत्तिजनक सीन्स हैं जिसमें दिख रहा है कि कांग्रेस थोड़े से गलत है, कुछ स्टेटमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, उन सब को ट्रेलर से भी निकाला जाए, मूवी से भी कट करके निकाला जाए। अगर आप नहीं निकालते हैं, जो मूवी मेकर्स हैं उनको ऐसा कह रहे हैं, वो टीम विंग कह रही यूथ टीम, कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे और पूरे इंडिया में कहीं भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे। ये कहना है यूथ विंग इंडियन कांग्रेस का। तो इस तरीके से फंस चुकी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी। लीगल नोटिस मिल चुका है उन लोगों को। देखिए, मिलना बहुत ही स्वाभाविक था। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर है ये मूवी। एक ओरिजिनल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। सबके नाम वही रखे गए हैं, कुछ भी इसमें चेंज करने की कोशिश नहीं की। 100% रियलिटी दिखाई जाने वाली है इस फिल्म में, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इस फिल्म को राइट किया है, जो भी नॉवल के बुक के आधार पर है, संजय बारू, जो बहुत ही नज़दीक रह चुके हैं इस फिल्म में। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं आपको, संजय बारू का कैरेक्टर कौन कर रहे हैं? अक्षय खन्ना। यस, अक्षय खन्ना, जो एक बहुत ही उम्दा कलाकार, एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने इस कैरेक्टर को, वो इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं ओवरऑल। और आपको ऐसा भी ट्रेलर में देखने को मिल जाएगा जैसे कि अक्षय खन्ना इस फिल्म को नरेट भी कर रहे हैं। संजय बारू मीडिया एडवाइजर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। संजय बारू कैरेक्टर कौन प्ले कर रहे हैं? अक्षय खन्ना, और नरेट भी कर रहे हैं इस फिल्म को। आप ट्रेलर को देख जाएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। बहुत ही अच्छी कास्टिंग है। अक्षय खन्ना अगेन वेरी गुड चॉइस फॉर अ कैरेक्टर लाइक संजय बारू, द मीडिया एडवाइजर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह एट दैट टाइम। सो दिस इज इट। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि लीगल नोटिस मिल गया, क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, बट इन सब चीज़ों को अलग रखें। तो मुझे लग रहा है ये फिल्म बहुत ही अच्छी होने वाली। मैं पर्सनली इस फिल्म को देखने जाने वाला हूँ, क्योंकि इस टाइप की क्रिएटिविटी जब कास्टिंग में इतनी ज़्यादा है तो मूवी में बहुत ही ऑसम लेवल होने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के बारे में, आपको क्या लगता है कास्टिंग के बारे में? आप भी धोखा खा गए थे एक नज़र में देखकर कि ये रियलिटी वाले कैरेक्टर हैं? तो प्लीज़ जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी सोच ज़रूर उसमें जाहिर करें। और हाँ, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, हम लोग उस चीज़ पर नहीं जाने वाले। हम लोग सिर्फ मूवी पर रहकर ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यूथ हैं और हम लोग इस मूवी से रिलेटेड ही बात करेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी लेवल पर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ आप पार्टीज़ से रिलेटेड बात ना करें। आप बात करें कि कैरेक्टर्स कैसे लग रहे हैं आपको, मूवी कैसी लग रही है, क्या लगता है आपको कि किस तरीके का क्रिएटिव लेवल इस फिल्म में दिखा होगा, या आपको कुछ भी आपको कहना है आप बिल्कुल कह सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना विजन शेयर करें, क्योंकि डैनिक्स टीम हमेशा अपना विजन खुल के सामने रखती है। दिस इज इट गाइज। सब्सक्राइब बटन यहाँ पर रेड कलर का है, उसको जाके क्लिक कर दें। जैसे आप बैलेट जब वोटिंग करने जाते हैं कैसे क्लिक करते हैं, तो वैसे ही सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दें, साथ में आने वाले इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि बेल आइकन बनाई है क्लिक करने के लिए। दिस इज इट गाइज। तब तक के लिए कीप वॉचिंग डैनिक्स, कीप लविंग दानिश एक्सट्रीम एंड चाओ।